तो बच्चों, लास्ट टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं, और सॉल्यूशन एवरी होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। ओके, अब सॉल्यूशन का जो अपोजिट है वो है सस्पेंशन। सॉल्यूशन में भी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में हमने देखा। अब आइए यहाँ पे पढ़ते हैं कि सस्पेंशन किसे कहते हैं। ठीक है, जिस तरह एवरी होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं, उसी तरह एवरी हेटेरोजेनियस मिक्सचर को, एवरी मिक्सचर विच इज नॉन होमोजेनियस इज कॉल्ड ए सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। सो सस्पेंशन इज इन हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ओके, इन दिस मिक्सचर स्टूडेंट्स वी नो दैट इन मिक्सचर वी हैव सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट इज इन हाई क्वांटिटी, इन लार्ज क्वांटिटी, सॉल्यूट इज इन स्मॉल क्वांटिटी। इन हेटेरोजेनियस मिक्सचर इफ वी एड द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, द सॉल्यूट विल नॉट क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द सॉल्वेंट पार्टिकल्स। एज इन द केस इन द शुगर वाटर, इन द स्वीट वाटर, इफ यू एड द शुगर, शुगर विल नो मोर बी विजिबल इन द सॉल्वेंट, इट विल इन्वॉल्व कंप्लीटली विद द सॉल्वेंट। शुगर पार्टिकल्स विल फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स ऑफ द वाटर, सो इट विल नॉट बी अपीयर, इट विल नॉट बी विजिबल। बट इन हेटेरोजेनियस मिक्सचर इफ यू एड अ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूट, इट विल बी सस्पेंडेड इन द डाउन, इट विल सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ द कंटेनर, बट इट विल नॉट फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द सॉल्वेंट पार्टिकल्स। बेस्ट एग्जाम्पल इज ए मड इन ए वॉटर। इफ यू टेक ए ग्लास ऑफ वॉटर, इफ यू एड मड सॉइल इन दैट, you will see soil is will settle down in the bottom of the glass, but it will not dissolve in the water. Got the point? Getting my point, students? Solvent in solvent, solute will not be added, solute will not be dissolved, and solute will not react with particles of the solvent completely. Solute will not form a bond. It will present in the solvent, but externally it settle down in the bottom of the glass. That solutions we called as suspension. That mixture we called as a suspension. Now let us see what properties of a suspension. Properties: suspension is a heterogeneous mixture. Okay. The particles of the suspension can be seen by naked eyes. That's what I said now. If you add a mud particles in the water, easily you can see the mud particles which settle down in the bottom. So in suspension, in heterogeneous mixture, solvent particles can be easily seen by naked eyes. Similarly, the particles of a suspension scatter a beam of light passing through it and makes it path visible. In solution, what we have seen in a sugar water, if we pass a ray of beam, light ray in between the glass, you can see the path of the ray, and you can see that in on another turn the light is not scattered. It is same unidirectional before it was entering into the glass. But in the suspension, if you pass a light ray, the light ray will be scattered. Why? Because the solvent particles will involve and scatter and divert the light ray particles. Similarly, the solute particles settle down when this suspension is left undisturbed. That is, a suspension is unstable.
they can be separated from the mixture by the process of filtration. In sugar water, once the sugar is dissolved, you cannot separate by mixing that solution. So it is called a solution. But in suspension, in heterogeneous mixture, you can easily separate the solvent particles just by filtering the water. When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore. तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सस्पेंशन. ये सस्पेंशन एक्चुअली क्या है? सॉल्यूशन का अपोजिट है. सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर है, सस्पेंशन भी एक मिक्सचर है. मिक्सचर को दो टाइप में डिवाइड किया गया था, याद है आपको? कौन से दो टाइप? एक हेटेरोजीनियस और एक होमोजीनियस. सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर, इसी तरह सस्पेंशन होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर. जितने भी हेटेरोजीनियस मिक्सचर है उन्हें सस्पेंशन कहते हैं. अब हेटेरोजीनियस किसे कहते हैं? हेटेरोजीनियस मिक्सचर यानी वो मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट पार्टिकल्स सॉल्यूट में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते. फिर एग्जांपल, एक हमने स्वीट वाटर के बारे में पढ़ा था, वो क्या था? वो सॉल्यूशन था. क्यों था सॉल्यूशन? क्योंकि उसमें स्वीट वाटर में शुगर अच्छी तरह डिसॉल्व हो गए, वो होमोजेनियस मिक्सचर है. लेकिन इसमें एग्जांपल मैं आपको दूसरा दूंगा. फॉर एग्जांपल, एक कांच के गिलास में आप पानी लो, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालो, क्या मिट्टी भी उसी तरह डिसॉल्व होगी जिस तरह दूसरे गिलास में, दूसरे पानी के गिलास में शक्कर डिसॉल्व होती है? नहीं, शक्कर डिसॉल्व होकर नजर नहीं आएगी. अच्छी तरह पानी में उसके पार्टिकल्स में उसके एटम्स उसके मॉलिक्यूल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के घुल जाएगी. लेकिन मिट्टी जो है पानी में जब आप उसे ऐड करेंगे तो मिट्टी के जो पार्टिकल्स है पानी के एटम्स और मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, उनके बीच में बॉन्ड नहीं क्रिएट होता और वो पार्टिकल्स ग्लास में नीचे बेस में सेटल डाउन हो जाते हैं. ठीक है, अब कांच के ग्लास में पानी में मिट्टी डालो, वो ग्लास के नीचे आके बैठ जाती है. इस तरह के जितने सॉल्यूशंस है जिसमें सॉल्वेंट सॉल्यूट के साथ मिक्स नहीं होता, उन तमाम सॉल्यूशंस, उन तमाम मिक्सचर को सस्पेंशन कहते हैं. ए सस्पेंशन इज ए हेटेरोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड. रिमेन सस्पेंडेड यानी वो नीचे पेंदे में आके जम जाते हैं, नीचे ग्लास के नीचे आके बैठ जाते हैं. इस तरह के मिक्सचर क्या हम क्या कहेंगे? हेटेरोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, इसकी कुछ पहचान है. क्या पहचान है? पहली तो ये कि ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है. दूसरा ये कि इसमें जो सॉल्वेंट है जैसे कि मिट्टी है या फिर इस तरह की कोई चीज, हम इसे ग्लास के पानी के ग्लास में पानी में डालने के बाद भी अच्छी तरह से देख सकते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल का ग्लास में शुगर शक्कर डालने में शक्कर डिसॉल्व होने में शक्कर आपको नजर आएगी? नहीं नजर आएगी, इसलिए उसे होमोजीनियस कहते हैं. लेकिन यहाँ पे हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन में क्या होगा? आप जो सॉल्वेंट सॉल्यूट में डालते हैं पानी में, जिस तरह की भी सॉल्वेंट डालते हैं, अगर वो आपके आंखों से नजर आती है तो उसे हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं. इसी तरह सस्पेंशन मिक्सचर में जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिट्टी ही लीजिए, पानी में कांच के ग्लास में आप मिट्टी डालेंगे तो, और अगर उसमें लाइट का रे पास करेंगे, एक स्टार टॉर्च से अगर आप लाइट पास करेंगे तो वो टॉर्च की लाइट जो है ग्लास के अगले हिस्से से स्कैटर होकर फैल जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी. इस वजह से, क्योंकि ये सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स, मिट्टी के जो पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स लाइट की दिशा को मोड़ देते हैं. ठीक है, लाइट का पाथ को मोड़ देते हैं, इस वजह से लाइट डाइवर्ट हो जाती है. तो ये चीज ये है हेटेरोजीनियस मिक्सचर के कुछ पहचान, कुछ फितरतें, कुछ प्रॉपर्टीज. ठीक है, सो हेटेरोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर है जिसमें सॉल्वेंट सॉल्यूट में अच्छी तरह मिल नहीं जाता. और इसकी और एक पहचान ये है कि इसे सिर्फ एक मामूली सी छन्नी से भी अगर आप छानेंगे तो इसके पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे. सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जस्ट बाय फिल्ट्रेशन सॉल्यूट से अलग हो जाएंगे, इसे
हेटेरोजेनस मिक्सचर कहते हैं।